वेलकम बैक गाइस टू माय वन ब्लॉक वर्ल्ड। व्हाट, मैंने जस्ट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट ही करी थी और इस विलेजर ने दूसरे विलेजर को मार दिया। क्या यहाँ पे हुआ? क्या अभी इस विलेजर ने उसको मारा या वो खुद ही डिस्पॉन हो गया? मेरा आज प्लान था कि मैं मॉफार्म बना के इनसे ट्रेड करूंगा, बट ये तो पूरा का पूरा इन्होंने प्लान ही चेंज कर दिया। अब बाकी इस वाले विलेजर से तो जो जो मैं चीजें ले सकता था मैंने वो सारी ले ली थी। अब ये डिस्पॉन भी हो जाए तो मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों को याद होगा मैंने कुछ इतनी प्रोग्रेस करी थी अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। आज सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ प्लैंक्स बनाता हूँ और एक स्टैक की मैं क्या करता हूँ स्लैब्स बना लेता हूँ। मैंने इधर से एक रास्ता बना रहा हूँ एक ब्लॉक ऊपर करके, बिकॉज मैं यहाँ पे ना अभी अपना जंगल बनाने वाला हूँ। मैं इसको थोड़ा दूर लेकर जा रहा हूँ इसलिए बिकॉज यहाँ पे ना मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं, और वैसे यहाँ पे जंगल बनने वाला है तो भाई यहाँ पे मॉब्स तो तुम लोगों को पता ही है कितने आने वाले हैं। ऑलराइट, मैंने एक आउटलाइन यहाँ पे बना दी, तुम लोग देख सकते हो, बट मेरी जो स्लैब्स है ना वो खत्म हो चुकी है तो अभी मैं और स्लैब्स बनाने आया हूँ। लो, मेरा दूसरा विलेजर भी यहाँ पे डिस्पॉन हो चुका है। मुझे पता चल गया इनको रखने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। परफेक्ट, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है, बस मुझे यहाँ पे ट्रीज लगाने। बट मेरे ट्रीज सामने और तुम लोग देख सकते हो भाई वहाँ पे कैसे स्पॉन हो गए लोग। जितना मुझे लग रहा है ये चेस्ट और फर्नेंस के ऊपर स्पॉन होंगे, बिकॉज वो तो स्पॉनेबल है ही नहीं है एरिया। मुझे ना एक शील्ड बनानी चाहिए थी, बट यहाँ पे तो भाई दो दो क्रीपर आ गए। ये देखो भाई, मेरे पास खाना वैसे ही कम है और ये मेरे ऊपर चढ़ा हुआ बिल्कुल। लिटरली इसको मारना ना थोड़ा यहाँ पे हार्ड है। फाइनली गया और इसका गन पाउडर नीचे चला गया यार। शिट, ओ भैंस की, वहाँ पे तुम लोग देखो कितने मॉब्स आ गए हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसी रहने देता हूँ भाई, वरना मेरा तो काम ना यहाँ पे तमाम है। और यहाँ पे एक और क्रीपर, फटियो मत प्लीज तेरी भैंस की। मेरे पास एक आयरन पड़ा है तो मैं क्या करता हूँ एक शील्ड बना ही लेता हूँ। एंड जितना मेरे पास कोल पड़ा है ना इनसे मैं थोड़ी सी यहाँ पे टॉर्चेस बना लेता हूँ और इनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे ना कोई मॉब स्पॉन ना हो मेरे एरिया में। परफेक्ट, अब यहाँ पे तो आई थिंक कोई भी स्पॉन नहीं होगा, बट वहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कितने भाई पूरा मॉब फार्म बन गया है वो। अभी तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाले जब तक मैं माइनिंग करता हूँ भाई, डिस्पॉन होने तक का वेट करूंगा मैं। अगर अभी गया तो मेरी मौत पक्की है। सारे मॉब यहाँ पे डिस्पॉन हो चुके, बट इस मनु एंडरमैन को छोड़ के तो इसको मैं मार देता हूँ। और इसने ये क्या ड्रॉप करा, व्हाट, लैपिस, एंडरमैन लैपिस ड्रॉप करते हैं, मुझे आज पता चला। मैंने कभी एंडरमैन से लैपिस ड्रॉप होते हुए नहीं देखा अपनी माइनक्राफ्ट हिस्ट्री में। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई ना मॉब स्पॉन ना हो। एंड मेरे पास डर्ट भी पड़ी है तो मैं यहाँ पे ना डर्ट भी लगाना स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ जहाँ मुझे ना ट्रीज लगाने। मैं काम करता हूँ जो पीछे वाले ट्रीज है ना इनको मैं चार चार यहाँ पे डर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इस जगह पे मैं सारे ना स्प्रूस लगाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास तीन ही स्प्रूस है, बट इस तरीके से मैं कुछ ना लगाने वाला हूँ। एंड सबसे पहले मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ, वरना मैंने इधर से गिर के मर जाना है। मुझे ओक ट्री लगाने पे एक नई एडवांसमेंट मिली है, नाइस। हमारा जंगल तो यहाँ पे रेडी है, बस इनको छोड़ देना है, खुद ही यहाँ पे ना ग्रोते रहेंगे और मुझे जा जाके बस यहाँ पे ट्रीज को कट करना है। एंड मैं अपनी वाली मेन जगह को भी ना डबल यहाँ पे कर रहा हूँ स्लैब्स, बिकॉज यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही ब्लॉक्स लगाने में। बाकी भी ना मैं अपने इस मेन वाले प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा अपग्रेड और कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। मेरी स्लैब्स तो गाइस यहाँ पे खत्म हो चुकी है। एंड अभी ना मैं एक चीज ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने वाला हूँ। एंड मुझे पता नहीं है वो वर्क करेगा या फिर नहीं, मैं खुद इसको पहली बार बना रहा हूँ एंड मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा या फिर नहीं, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और सीन है जो उसके अंदर तुम लोग फिश देख रहे हो ना, पफर फिश, भाई ये बहुत ज्यादा डेंजरस फिश है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ पहले। ये यहाँ पे आ चुके हमारा, तुम लोग देख सकते हो अभी ना एक यहाँ पे वाटर सोर्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोन मिल, अरे यार बोन मिल लगे, ओके लग गया, यहाँ पे दो वाटर सोर्स हो गए, तुम लोग देख रहे हो। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। अगर मैं यहाँ पे अभी एक वाटर बकेट उठा लूँ तो तुम लोग देख रहे हो अभी भी यहाँ पे वाटर है। दैट मीन्स मेरे पास अनलिमिटेड वाटर सोर्स हो चुका है यहाँ पे। बाकी मैं इसको भी ना यहाँ पे रहने देता हूँ। ये क्या कर रही है, फूल गई है तो। एंड अभी तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे एक भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहा, और कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है हमारा वर्ल्ड। मैं सबसे पहले ना अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और अपग्रेड यहाँ पे करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे अभी जगह ही नहीं है हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने के लिए। मेरी स्लैब्स यहाँ पे खत्म हो चुकी, बट इतना इनफ एरिया में अपना यहाँ पे अपना अनलिमिटेड वाटर सोर्स का ना एरिया बना सकता हूँ। देखो एक बकेट मुझे यहाँ पे डालनी है और एक और बकेट लेकर मुझे यहाँ पे डालनी है। एंड मैं इसको दोबारा यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, बिकॉज ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ना इश्यू करेगी। मैंने एक बोन मिल यहाँ पे मारता, बट यहाँ पे तो पांच छह वाटर सोर्स हो चुके हैं। और लो मेरी पिकेक्स भी गई, नाइस। अब देखो ये गंदा नहीं लग रहा, बट यहाँ पे मैं थोड़ी टॉर्चेस लगा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे मॉब स्पॉन हो सकते हैं। स्टार्ट हम लोगों ने कहाँ से करा था, और अभी तुम लोग देख रहे हो कितना ज्यादा चेंज हो चुका है हमारा वर्ल्ड। मैंने सारा सामान अपना यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अब ये यहाँ पे ना थोड़ा सही लग रहा है। जो जो मेरे जहन में था मैंने वो सारा काम कर दिया। अब हम लोग ना यहाँ पे माइनिंग करते हैं आराम से, बिकॉज अभी तक मैं यहाँ पे कोबलस्टोन वाले फेस में, हम लोग ना इसे थोड़ा अपग्रेड होते हैं।
ओके, मैं काफी देर से हमें माइन करा था एंड हमारे पास एक नया विलेजर आ चुका है। डर्ट के बदले ये आयरन दे रहा है बट मेरे पास डर्ट है नहीं। ओके, मेरे पास 38 डर्ट तो मैं इससे आयरन ले सकता हूँ बट यहाँ पे ना एक और सीन है, हमें आगे जाके डर्ट नहीं मिलती। अब ना इन्होंने हमें एक जगह पे फंसा दिया, तुम लोग देख रहे हो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर मैं यहाँ पे आयरन लेता हूँ तो मैं टेराकोटा नहीं ले पाऊंगा और मेरी डर्ट भी इस तरह चली जाएगी, और अगर मैं डर्ट बचाता हूँ तो मैं आयरन नहीं ले पाऊंगा। आई थिंक मुझे इससे आयरन इस बार ले लेना चाहिए। एंड अभी मैंने एक और चीज नोटिस करी है, 48 डर्ट में यहाँ पे 6 आयरन दे रहा है जबकि ऊपर 38 डर्ट में 8 आयरन दे रहा है। मतलब ये यहाँ पे ठग रहा है हमें, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे घोंचू है। मैं सोच रहा था इससे नेदर वॉट ले लूं बट गाइस अभी के लिए ना मैं इससे नहीं लेने वाला, बिकॉज पोशंस की मुझे इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। मैं पोशंस के बिना यहाँ पे ना सर्वाइव कर सकता हूँ, एंड सेकंडली मुझे शायद आगे जाके ना मिल जाए यहाँ पे नेदर वॉट। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, आज मैंने अपने लिए घर भी बना लूं छोटा सा, और ये देखो टॉप व्यू हमारे छोटे से वर्ल्ड का। अभी इसमें इतनी ज्यादा चीजें है नहीं बट इसमें मैं काफी कुछ बनाने वाला हूँ। सो मेक श्योर तुम लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट रख रखा होगा ताकि तुम्हें हर वीडियो यहाँ पे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड मैं अभी के लिए ना अपने घर का प्लेटफॉर्म सोच रहा हूँ मेरे को किस जगह पे बनाना चाहिए। आई थिंक हमारा जो ये वाला प्लेटफॉर्म है ना इसके सामने मुझे अपना घर बनाना चाहिए। सो लेट्स गो, इधर से ही ना मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। इतना काफी है, ज्यादा दूर मैं लेकर जाने नहीं वाला, वैसे ही मेरा टेम्पररी घर है। मैं छोटा सा अभी ना एक घर बनाने वाला हूँ और इस बार मैं पिछली वाली गलती बिल्कुल नहीं कर रहा। इस बार मैं ना सारी टॉर्चेस लेकर जा रहा हूँ अपने साथ ताकि कोई भी यहाँ पे ना दिक्कत ना हो। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी यहाँ पे आउटलाइन बना दी है, और मेरे पास ना स्लैब्स भी इतनी है नहीं, और पता नहीं मैंने इतनी बड़ी क्यों बना दी यहाँ पे आउटलाइन। मेरा घर यहाँ पे इतना बड़ा नहीं होने वाला। मेरा प्लेटफॉर्म अभी इतना सा बना है जहाँ पे मैं घर बनाने वाला हूँ, और मेरी सारी स्लैब्स खत्म हो चुकी है। मुझे अभी काफी ज्यादा स्लैब्स और चाहिए। मेरे पास 2 स्टैक ऑलमोस्ट स्लैब हो चुकी है बट मेरे ट्रीज जो है ना वो काफी ज्यादा स्लो स्लो ग्रो हो रहे हैं। बट जितनी मेरे पास स्लैब्स बनी है इनको भी ना मैं यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने पता नहीं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों बनाया है, अब तो पक्का मेरे यहाँ पे प्लेटफॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। भैंस की अभी भी बच गया, बट खैर चलो ये इतना कोने में मेरा घर तो यहाँ पे ना बीच में बनने वाला है, तो मैं अपना ना घर यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास जितने भी वैरायटीज के ब्लॉक्स थे ना मैं सारे उठा के ले आया हूँ। चलो शुरुआत ना मैं यहाँ से कर देता हूँ एक पिलर बना के। मैंने सच बताऊं तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं मैं क्या बनाने वाला हूँ, बट मैंने एक बहुत पहले ना एक घर बनाया था, मैं उसी को यहाँ पे ना वापसी बनाने वाला हूँ। तो देखो सामने से कुछ हमारा घर ना ऐसा लगने वाला है, एंड मेरे को आई थिंक थोड़ा बीच में बनाना चाहिए था, थोड़ा उस साइड बन गया हमारा घर। अब मेरा डोर ना यहाँ पे बिल्कुल बीच में, बस मेरे यहाँ पे ना टेराकोटा खत्म नहीं हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे टेराकोटा यहाँ पे कम पड़ जाएंगे। ओ पूरे यहाँ पे परफेक्ट मेरे ब्लॉक आ गए, मींस ना एक ज्यादा था टेराकोटा का ब्लॉक, ना मेरे पास एक कम था। हेलो, ये क्या यहाँ पे हमारा एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आ गया, मैंने जस्ट अपना घर बनाया ही था और ये यहाँ पे आ गया, ये क्या दे रहा है, रुको मैं इसे देखता हूँ। मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे भाई वन ब्लॉक में भी आता है, ये मुझे यहाँ पे एमरल्ड्स में चीजें दे रहा है तो मैं इससे ले नहीं सकता, बट तुम्हें तो पता है मैं इससे एक चीज यहाँ पे जरूर ले सकता हूँ, तेरी भैंस की निकल यहाँ से। बट इसके लामास मुझे ना अब यहाँ पे मारे ना, बिकॉज मैं इसके लामास ना यहाँ पे रखना चाहता हूँ, मैं इनको कैप्चर करना चाहता हूँ। अपने लामास को ना मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ जब तक मेरा घर बनेगा, ये लोग मुझे देखेंगे यहाँ से, बट ये इस जगह से नीचे ना गिर जाए बस मुझे ये थोड़ा सा ना डर लग रहा है। ओ फाइनली मेरा चेरी ब्लॉसम का ट्री भी यहाँ पे ग्रो हो चुका है, इसको भी मैं यहाँ पे कट कर ही लेता हूँ, इससे मैं घर में कुछ ना कुछ बना ही दूंगा। एंड नाइस, चलो मैंने यहाँ पे अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको भी कम्प्लीट कर दिया है। फ्लोर पे मैं क्या करता हूँ, फ्लोर पे अगर मैं मॉस ब्लॉक लगा दूं तो ये काफी ज्यादा सही लगेगा, ऐसा लगेगा कि ग्रास है फ्लोर पे, तो मैं ना यही करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे मॉस ब्लॉक तो लगा दिया अपने फ्लोर पे, बट अगर मैं यहाँ पे हल्का सा टच करता हूँ ये देखो मैं सीधा वॉइड में जाऊंगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा इश्यू मेरे साथ हो सकता है, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना एहतियात से खेलना पड़ेगा। बट अगर बात करें तो अभी के लिए हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है। मैं चेरी लॉक से ना चेरी सैपलिंग बना लेता हूँ। अच्छा और इनको अगर मैं इधर लगाऊं तो ये कॉम्बिनेशन में काफी सही लग रहा है, मतलब ये कलर तुम लोग अगर देखोगे तो एक जैसा ही लग रहा है। नाइस, चलो मेरा चेरी वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे थोड़े से ना फेंसेस बनाने हैं, बिकॉज ये फेंसेस लगने वाले हैं कुछ इस तरीके से, और ये हमारी बन जाएगी यहाँ पे विंडो। अभी मेरे पास गिलास तो है नहीं तो विंडो में ना इस तरीके से बना रहा हूँ। आस्ते आस्ते लुक आ रही है, तुम लोग देखना है काफी ज्यादा प्यारा लगने वाला है। बाकी मेरे पास फेंसेस काफी बच गए तो मैं ना इधर लगा देता हूँ आसपास। मेरे पास खाना भी सिर्फ यहाँ पे 2 ही बचे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा मैं खाने के लिए क्या करूंगा। आगे और आ जाएगा हमारा यहाँ पे, मैं इसमें थोड़े बहुत टेक्सचर्स ऐड कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने बैरल लगाए हुए यहाँ पे, जो चीजें मैं बना सकता हूँ ना वो मैं बना के यहाँ पे लगा रहा हूँ। एंड नाउ गाइस मैं इसकी ना रूफ पे यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे स्प्रूस स्लैब्स का, बिकॉज ये ना बिकॉज टेराकोटा भी डार्क है, आई थिंक ये सही लगने वाला है। और मेरे को इसकी आवाज आई थी भाई साहब, मैं इनसे पंगे क्यों ले रहा हूँ, खैर मेरे पास वैसे ही खाना नहीं है, लोग सुबह होते खुद ही मर। व्हाट, अबे जादूगर है क्या। मेरे पास खाना यहाँ पे गाइस बिल्कुल खत्म हो चुका है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना ये लोग मुझे मार देंगे।
की, ये तो पागल हो गए हैं। थोड़ा इधर हो के आ जाइए भाई प्लीज, तेरे से मेरे को फैंटम मेम्ब्रेन चाहिए। और रूफ ना हम लोग वैसी बनाने वाले हैं जैसे विलेजर्स के घर की नहीं होती, सेम टू सेम थोड़ी बहुत ना वैसे बनने वाली है कुछ ही इस तरीके से। गाइस आई होप कि अब तुम लोगों को ना समझ आ रही होगी कि मैं कैसी रूफ यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। बस मुझे हर बार स्लैब से ना एक स्टेप ऊपर स्लैब लगानी है। देयर वी गो, ये लास्ट की हमारी कुछ स्लैब्स है एंड हमारी रूफ यहाँ पे कम्प्लीट है। पीछे जाके मैं देखने वाला हूँ कि हमारा जो घर है ना वो कैसा लग रहा है और कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है हमारी रूफ। मुझे लगा नहीं था इतनी प्यारी लगेगी, बट टेराकोटा की कॉम्बिनेशन के साथ काफी सही लग रही है। एंड अभी के लिए ना अगर मैं इंटीरियर दिखाऊं तो इंटीरियर यहाँ पे बिल्कुल खाली है, अभी मुझे इंटीरियर पे भी काम करना है। तो चलो अब मुझे बस 5 मिनट देना, मैं यहाँ पे ना अपने घर का इंटीरियर भी कंप्लीट करता हूँ एंड देन मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। सही बताऊं तो मेरे पास इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं, बट जितनी है उन्हीं से मैं ना कुछ बनाने की ट्राई करता हूँ। मेरी ये डायमंड की रेसिपी अनलॉक कैसे हुई है, ना मेरे पास अभी तक गोल्ड आया ना डायमंड आया, तो ये अनलॉक कैसे हो गई? थोड़ा इस वर्ल्ड में ना ग्लिच चल रहा है मेरे को महसूस हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मेरे पास लिटरली खाना बिल्कुल खत्म हो चुका है, मैं यहाँ पे रोटन फ्लैश खा रहा हूँ। और व्हाट, रोटन फ्लैश से मुझे हंगर नहीं लगा? वर्ट, मैंने यहाँ पे क्रीपर को मारा और मुझे कोको बीन्स मिले। 1.20.4 के वन ब्लॉक में काफी ज्यादा नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं और ये काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। A few moments later. All right guys, finally मेरा जो यहाँ पे घर है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या तुम लोग रेडी हो अब उसको देखने के लिए? बाहर से तो तुम लोगों ने देखा ही हुआ कैसे लग रहा है। और ये देखो भाई, छत पे मुझे ना अभी लगानी पड़ेंगी टॉर्चेस, यहाँ पे छत पे स्पॉन हो रहे हैं भाई, डरा क्यों, पागल हो गया क्या अंडरमैन? तो चलो अब मैं तुम्हें ना अंदर से दिखाता हूँ घर। और ये देखो यार, ये अजीब से ग्लिचेज हो रहे हैं मेरे ना वन ब्लॉग में, देखो थोड़ी देर बाद खुलेगा, ये पता नहीं क्या ग्लिच है, बट इंटीरियर तुम लोग देख सकते हो कैसा लग रहा है। ये तो टट्टी है। मेरे पास जितनी चीजें थी फिलहाल वो मैंने ना सारी यहाँ पे लगा दी। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा लग रहा है हमारा इंटीरियर। अभी इतना अच्छा है नहीं, बट जितनी मेरे पास चीजें थी उस हिसाब से मैंने काफी ज्यादा सही बनाया है। बाकी ना एक लास्ट चीज रही है, मैं इस एंडरमैन को मार के ना वो भी कम्प्लीट यहाँ पे करता हूँ। और मैं किसी भी मॉब को मार रहा हूँ ना, यहाँ पे कस्टम आइटम्स ड्रॉप हो रही है, जिससे यहाँ पे लैपिस ड्रॉप हो रहा है एंडरमैन से। मुझे ना स्प्रूस का ट्री पहले माइन करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना स्प्रूस के ये फेंसेस बनाने। एंड लिटरली यार मेरा फिर से यहाँ पे खाना खत्म हो चुका है। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं खाने के लिए यहाँ पे क्या करूँ, मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं है। और इंटीरियर में ना मैं एक और चीज कर सकता था, अगर मैं यहाँ पे इससे ट्रैप डोर्स लगा दूं तो ये भी अच्छे लगेंगे। मैं अभी तक वन ब्लॉग में वैसे मरा नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है अब मैं मर जाऊंगा यहाँ पे खाने की वजह से। ऑलराइट फिलहाल मैंने ना अभी सिर्फ सामने और थोड़े साइड पे लगा दी, मैंने हर जगह पे नहीं लगाया, बिकॉज मेरे हंगर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है एंड मेरे पास ओक वुड भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना तुम लोगों को घर कैसे लगा, और ये भी बताना कि मैं अभी यहाँ पे खाने के लिए क्या करूं। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में तो यार बस इतना ही। आई होप अब तुम लोगों को मेरी वाली वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर से जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।